आज का अपडेट वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, कमाल का, धमाल का, बेमिसाल का भी बोल सकते हो, क्योंकि हम बड़े बड़े अपडेट्स को आज कवर करने वाले हैं जो शायद आज या फिर कल तक खेलने को मिल जाएगा, जिसमें से सबसे पहला गेम का नाम आता है Assassin's Creed Codename Jed, दूसरा है Asphalt, और क्या गेम लॉक भी वापस आने वाला है एक नए गेम के साथ, और आखिर में जाते जाते बात करेंगे एक वर्ड जोन में आए हुए नए अपडेट का। तो कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखो, लेकिन पसंद आए तो ऑब्वियसली क्या करना है, लाइक करो यार, शेयर करो, इतने अच्छे अच्छे अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो डेली अपडेट वीडियोस देखने के लिए। कैसे? नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा होगा, करना पड़ता है यार, भीख मांगना पड़ता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं Asphalt गेम से। तो फाइनली इसका क्लोज बीटा टेस्ट जो है शुरू हो चुका है सिर्फ और सिर्फ यूएसए में, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हो ऑब्वियसली जुगाड़ लगा के इस गेम को डाउनलोड कर पाओगे, बहुत ही आसान है, स्क्रीन में भी आप देख पा रहे हो, थोड़ा बहुत आपको बताने की भी कोशिश करते हैं। सबसे पहले VPN कनेक्ट करो US सर्वर के साथ, उसके बाद अपना जो प्ले स्टोर का डेटा है उसे क्लियर कर दो, देन वहां जाकर सर्च करना है Asphalt। ऑब्वियसली आपके डिवाइस में तो गेम शो नहीं करेगा अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है, तो फिर भी आप चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, VPN कनेक्ट करके रखो। जाने के बाद आपको प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट होना है, वहां जाके चेक करना है कि आपके डिवाइस में ये गेम वर्क करेगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप इस गेम को खेलने की सोच रहे हो तो अच्छे से भी अच्छा यानी प्रीमियम स्मार्टफोन होना चाहिए, तब जाके इस गेम को आप एक्सेस कर पाओगे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जी हाँ, मूड तो ऑब्वियसली खराब होगा ही, इस गेम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन आपका भाई दूसरा जुगाड़ करके रखा हुआ है यानी पीसी में इस गेम को खेलने की सोच रहा है। तो अगर आपको इस गेम का गेम प्ले वगैरह देखना है, अगर चल पाता है पीसी में तो हमारे दूसरे चैनल पे उसका गेम प्ले जरूर आएगा, तो जाके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लो। लेकिन आप एंड्रॉइड डिवाइस में इस गेम को खेलना चाहते हो, दूसरी जगह से डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि गेम का फाइल ढूंढना ऑनलाइन से उतना ही मुश्किल है जितना कि अपने क्रश से पहली बार बात करना। ये डायलॉग बार बार नहीं बोल रहे हम, अबे साले। लेकिन कोई नहीं यार, इतना तो बोलना चलता ही है। पीसी में, एंड्रॉइड में, आईओएस में, तीनों में इस गेम को रिलीज कर चुके हैं। अब सर्वर कब खुलेगा इसका कोई भी आइडिया नहीं है इंडियन टाइम के हिसाब से। मुझे लगता है कल तक इनका सर्वर ऑनलाइन हो जाएगा, उसके बाद तो यार सभी के सभी इस गेम को खेलते हुए एंजॉय कर पाएंगे। सभी नहीं बोलना चाहिए था, कुछ यूजर। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हमारा नेक्स्ट अपडेट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप गेम लॉक के गेम्स खेलना अपने एंड्रॉइड या फिर बोल सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइस में खेलना पसंद करते थे, इसलिए मेंशन किया हूँ क्योंकि आपको भी पता है गेम लॉक का उतना कुछ अच्छा खासा गेम्स अभी फिलहाल मोबाइल डिवाइस में नहीं आ रहे हैं, और फ्यूचर में भी शायद आपको कोई गेम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उनके तरफ से फिलहाल एक नया मोबाइल गेम आ चुका है यानी सॉफ्ट लॉन्च हुआ है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही रीजन में। अब कौन कौन से रीजन इसके बारे में तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन गेम का नाम जरूर पता है, वो है डिज्नी स्पेस स्टॉर्म, जिसका प्ले स्टोर का स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे हो। ग्राफिक्स तो यार बहुत ही कमाल के लग रहे हैं, अगर इस गेम को डाउनलोड करके हम खेल पाते हैं तो उसका प्रोसेस वगैरह आपको बता देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर ऑन रखना, और साथ में कमेंट भी कर देना ताकि मुझे पता चले इस गेम के लिए कितने सारे एक्साइटेड हैं। बेसिकली आपको डिज्नी के सारे कैरेक्टर इसमें मिल जाते हैं, उन्हीं को यूज करके आपको रेस करना है, और रेस जो आप करोगे अलग अलग स्किल सेट है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे हो बहुत सारे बटन से जिनका अपना अपना काम भी है, उनको अगर आप यूज करोगे सही ढंग से तो ओपोनेंट को आप हरा भी सकते हो पीछे रह के भी। अगर आपको और भी आसान भाषा में समझाऊं तो कार्ट रेसिंग गेम को तो खेले होंगे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में, जो ऑलरेडी काफी सारे गेम प्रोवाइड करते हैं, तो ये गेम भी कुछ उसी के जैसा है लेकिन अच्छे ग्राफिक्स और कैरेक्टर के साथ, समझ रहे हो। तो फाइनली जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो इंतजार तो खत्म हो चुका है, लेकिन हो के भी नहीं हुआ है खास कर इंडियन यूजर को, क्योंकि Assassin's Creed Codename Jed मोबाइल गेम तो सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, काफी सारे प्लेयर्स को इनवाइट भी मिल चुका है, डाउनलोड भी कर चुके, रेडी भी हो चुके हैं गेम को खेलने के लिए। अभी तो सर्वर खुला नहीं है, आज या फिर कल तक खुल जाएगा, लेकिन अगर आप इंडियन प्लेयर हो, सोच रहे हो कि अभी तक हमें क्यों नहीं इनवाइट भेजा गया, हालांकि काफी सारे दोस्तों को भेजा जा चुका होगा जो रजिस्टर किए थे अलग कंट्री से, लेकिन अगर आप उसमें इंडिया सिलेक्ट किए थे तो अभी फिलहाल पता चल रहा है कि शायद इस गेम को इंडिया में रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट तो ऑलरेडी Tencent के जितने भी सारे गेम्स हैं, ज्यादातर नहीं यार 90% से भी ज्यादा गेम्स जो है इंडिया में बैन कर चुके हैं, सिर्फ एक दो को छोड़ के। तो Assassin's Creed Codename Jed भी उसमें शामिल है यानी बैन के लिस्ट में। तो अभी ये डर लग रहा है कि अगर इसका ग्लोबल लॉन्च होता है इंडिया में आएगा या फिर नहीं। अगर आप APK वगैरह का पूछोगे फाइल कैसे डाउनलोड करें, हमें खेलना है, तो अभी तक हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला,
जब तक इसका सर्वर ऑनलाइन नहीं जाता है तब तक हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं कि डाउनलोड करने के बाद खेल पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आपके पास इनविटेशन आया है या फिर नहीं। अगर इनविटेशन आया है, क्या गेम को आप डाउनलोड कर पा रहे हो प्ले स्टोर से? अगर नहीं तो कहाँ से करोगे, जरूर बताना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और वीडियो के आखिर में हम बात करने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के आए हुए नए अपडेट के बारे में। तो फाइनली सीजन 5 जो है इस गेम में आ चुका है और अपडेट के बाद एक ही वर्ड हमारे मन से निकल रहा है, ये तो टट्टी है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिएक्शन है सभी यूजर का और खासकर जो हाई एंड डिवाइस यूज करके इस गेम को खेलते हैं। लेकिन मुझे जितना अपडेट मिला है एंड्रॉइड डिवाइस यूजर के लिए काफी ये अच्छा अपडेट साबित हुआ है। हालांकि पिछला अपडेट भी काफी अच्छा था, हमारे डिवाइस में भी चल रहा था गेम, हालांकि स्मूथली नहीं, थोड़ा बहुत तो खेलने लायक था। अब इस अपडेट के बाद मैं तो खुद ट्राई नहीं किया हूँ इस गेम को, हमारे डिवाइस में चल रहा है अच्छे से या फिर नहीं। लेकिन जो iOS डिवाइस यूजर है ना, उनके मन से तो यार बद्दुआ ही निकल रहा है इस गेम के बारे में। अब इसके बाद कौन सा अपडेट आता है, थोड़ा बहुत अपडेट पुश करेंगे क्योंकि हर सीजन के बाद ये पुश करते हैं और गेम को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास iOS डिवाइस है तो क्या इस गेम को खेलते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में नया बैटल पास भी ऐड हो चुका है, UI को भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, लेकिन घुमा फिरा के वहीं पे आ जाते हैं कि ग्राफिक्स में यार इतना टट्टी क्यों बना दिए हैं। ऑब्वियसली इस गेम को रिलीज होने में अभी भी 3-4 महीने का समय है, तो देखते हैं ग्लोबल रिलीज क्या नवम्बर के आसपास ही होगा या फिर उसको भी पुश कर दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात तो सही है। तो इसी के साथ आज की इस इंटरेस्टिंग अपडेट वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय किए होंगे, तो जल्दी से एक लाइक टोक दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ इन सब अपडेट्स को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाले इसी तरह से डेली अपडेट वीडियोस देखने के लिए। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइनल एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।